हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग रेवरेंस। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस 8.1 ऑफ क्लास 8 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन्थ। नाउ इन दिस वीडियो, इट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज पार्ट थ्री। इट इज़ द पार्ट थ्री। In my first part, I have discussed first, second and third of 8.2. In my second part, I have discussed fourth, fifth, sixth and seventh question of exercise 8.2. And now in this video, I will discuss rest of them, means 8th to 11th question, right? So let's start. Question number 8 is, the price of a TV is this. So CP is given here, 13,000, right? The sales tax charge on it is at the rate of 12%. So sale tax hoga, sale tax equal to 12%, 12% of CP, right? So it means 12/100 of 13,000. It means 00 cancel out, that will be 12 × 130, that is 1560 rupees. So it is the sale tax here. Now required amount means CP, जो उसको पे करना ही होगा विनोद को, वो क्या होगा? It will be the SP. SP find out करने के लिए क्या होगा? It is CP plus sale tax, because sale tax जो होगा वो भी customer ही pay करता है. So it is 13,000 plus 1560, that is 14,560, right? So it is the SP here, which we have, which Vinod has to be paid. Thank you. It is the answer. Now question number 9. Arun bought a pair of skates at a rate where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, so SP is given here, because ये amount उसने pay किया है 1600. Discount कितना है? 20% of CP, right? CP, let CP equal to X. So 20% of X कितना है हमारा discount, right? So अब ये sale price कितना होता है? वो होता है जो भी सीपी है उसमें डिस्काउंट को ऐड करके, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है हमारा, जितना भी हमारा डिस्काउंट है वो माइनस होगा, डिडक्ट होगा, वो उतना चार्ज हमारा कस्टमर करेगा, राइट? सो सीपी इज एक्स हेयर, माइनस ऑफ 20/100 ऑफ एक्स। नाउ एसपी इज गिवन हेयर, दैट इज 1600 इक्वल टू 100 माइनस 20, दैट इज 80 एक्स अपॉन 100। So it is 1600 × 100 upon 80 equal to X. So it is 00 cancel out, 200, that is 2000. 2000 is the SP here, CP here, right? So CP equal to 2000. Done. Now question number 10th. Question number 10th is, I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT. Means SP given है 54%, 5400 including 8% VAT. Find the price. So VAT means GST, just like. तो total SP कितना होता है? Marked price and plus CP, marked price जो भी उसमें लिखा हुआ है, प्लस VAT, राइट? सो मार्क प्राइस, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ही तो फाइंड आउट करना है, तो मार्क प्राइस को मार्क प्राइस ही रहने दो। VAT कितना होगा? 8%, सो 8/100 ऑफ मार्क प्राइस, राइट? सो मार्क प्राइस को x लेट कर लो, तो x प्लस 8x अपॉन 100, दैट इज 5400, राइट? सो इट इज 5400 हियर, सो इट इज 108x upon 100 equal to 5400. So
एक्स इक्वल टू 5400 इंटू 100 अपॉन 108। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सी पी फाइंड आउट होगा 5000, राइट। सो 5000 इज द आंसर, इट्स यूनिट इज रुपीज, बिकॉज मनी इज ऑलवेज इन रुपीज। ओके, 11th क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर 1239। सो 11th क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 मीन्स एस पी गिवन है 1239 एंड जी एस टी गिवन है 18%, राइट। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जी एस टी वॉज एडेड, मीन्स जो प्राइस है मार्क्ड प्राइस वो हमें बताना है, प्लस जी एस टी कितना होता है हमारा, एस पी होता है, राइट। एस पी इज 1239, मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता था, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने इसे एक्स रख लिया एंड इट इज़ 18/100 ऑफ एक्स, राइट। सो इट इज़ 118 एक्स बाय 100, दैट इज़ 1239। नाउ 1239 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 118 इक्वल टू एक्स। आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ, राइट, डिविडेंड ऑफ दिस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन इट एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.3। ऑल द लिंक्स आर ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन टेक इट एंड लर्न इट। थैंक यू।